Good morning, everyone. So yesterday we have started chapter number 3, that is utility analysis. So we know that what is utility? Utility is the want satisfying power of a commodity. कि utility किसी good की want को satisfy करने की power है. We also studied that utility are of two types. Utility दो type की है, cardinal और ordinal utility. Cardinal utility कौन सी utility है जिसमें हम किसी good से मिलने वाली satisfaction को cardinal numbers में measure करते हैं, ठीक है. Like we are measuring the utility in term of utils, and the unit in which we measure the utility is called unit. Utils, and this is a scale of measurement. कि util में हर चीज़ से मिलने वाली satisfaction को matter करते हैं, measure करते हैं, and जो चीज़ हमें higher level of satisfaction provide करती है उसको हम higher utility provide करते हैं, और जो हमें कम utility provide करती है हम उसको कम util satisfaction provide करते हैं, ठीक है. और ये एक quantitative aspect है, यानी ये हम person to person differ करता है. So this is cardinal, we have studied yesterday, and ordinal approach, Hickson approach. This approach says that whatever satisfaction we are getting from consuming a commodity, we cannot measure that satisfaction in numbers. ये approach कहती है कि जो भी हमें satisfaction मिलती है हम उसको number में measure नहीं कर सकते. हम उसको number की बजाय हम उसको ranking करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन सी चीज़ उससे कम पसंद है, और कौन सी चीज़ उससे कम. यानी हम उनको अपनी पसंद के accordingly उनको क्या कर देते हैं, ranking. कि टी इज़ गिविंग मी मोर सेटिस्फेक्शन दैन मिल्क, एंड कॉफ़ी इज़ गिविंग मी मोर सेटिस्फेक्शन दैन टी. दैट मीन्स आई हैव गिवन फर्स्ट रैंक टू कॉफ़ी, सेकेंड टू टी, एंड थर्ड टू मिल्क अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस. मे बी दीज प्रेफरेंसेज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, श्योरली इट विल बी. सो आफ्टर दैट, आफ्टर कार्डिनल यूटिलिटी वी विल स्टडी अबाउट, वी हैड स्टडीड अबाउट टोटल यूटिलिटी. दैट द टोटल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ particular good is called total utility, sum total of utility, which is derived from the consumption of all the units of a commodity. कि किसी commodity की सारी units को consume करने से जो हमें total satisfaction मिलती है उसे हम total utility बोलते हैं. जैसे total utility यहाँ पर show करा है कि first unit से हमें MU1 बन रही है, second से MU2, second third से fourth से. so इस तरह total utility होती है हमारी सारी units से मिलने वाली satisfaction का total, right? now marginal utility होती है the satisfaction or utility derived from consumption of one unit of a commodity. कि एक single unit अगर हम ज़्यादा consume करते हैं उससे अगर हम utility हमें मिलती है वो marginal utility है. जैसे कि suppose अगर two commodities से मुझे 20 सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 20 मिल रही है सेटिस्फेक्शन, और 3 से कितनी मिलती है मुझे, 3 से मिलती है मुझे 25. तो इस केस में मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, दैट इज़ 5. तो इस केस में 1 यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन दैट इज़ 5 इज़ कॉल्ड MU, दैट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है. नाउ केम टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है. अब देखो बच्चे, हमें पता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ को कंज्यूम, ज़्यादा ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं तो उनसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमारी कम होती जाती है, राइट. सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इट स्टेट, इट स्टेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी डिक्लाइंस एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड. कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी के ज़्यादा ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे उनसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम कम होती रहेगी. लाइक सी हेयर, द सेटिस्फेक्शन विच वी आर गेटिंग फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट इज़ 50, एंड फ्रॉम सेकेंड 90 माइनस 50 इट इज़ 40, 120 minus 90, 30, after that 20 and 10, it shows that MU is declining, ठीक है. MU क्या कर रही है, MU decline कर रही है, ठीक है. so this is called law of diminishing marginal utility. it can be seen from the above schedule that total utility increases at a diminishing rate. कि total utility बढ़ तो रही है, देखो total utility increase हो रही है 50 से 90, 90 से 120, 140, 150.
बट इट इज़ इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट. अब इसका क्या मतलब है कि बढ़ रही है लेकिन कम वाले रेट पे. यहाँ देखो फर्स्ट में कितना राइज हुई. अगर हम इसको स्टडी करें कि ये अगर हम ये देखें कि ये फर्स्ट यूनिट में कितनी थी और अब कितनी है, तो देखो यहाँ पे ये कितने से यहाँ पे कितने से इंक्रीज़ हुई, 40 से इंक्रीज़ हुई. उसके बाद 90 से 120, 30 से इंक्रीज़ हुई. नेक्स्ट देखो 140, 20, 20 से इंक्रीज़ हुई. नेक्स्ट में देखो 10 से राइज हुई. तो जो ये रेट है बेटे, ठीक है, जो ये 40, 30, 20, 10, तो ये रेट कैसा है, डिमिनिशिंग है. तो इसीलिए बोलते हैं कि टी यू इज़ इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट. राइट नाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल ऑपरेट ओनली व्हेन कंजम्पशन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. कि ये जो लॉ है, ये लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे आप किसी किसी यूनिट को ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम कम होती रहेगी. लाइक अगर मुझे चाय पीनी है तो फर्स्ट कप ऑफ टी आई लाइक दैट कप ऑफ टी, सेकेंड आई विल टेक बट थर्ड आई विल नॉट टेक बिकॉज इट गिव्स मी डिससेटिस्फेक्शन रेदर दैन सेटिस्फेक्शन. कि अगर मैं किसी एक कॉमोडिटी को कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करती हूँ तो वो कॉमोडिटी मुझे नेगेटिव सेटिस्फेक्शन देने लग जाती है एक पॉइंट के बाद. लेकिन ऐसा तभी होता है जब मैं उस कॉमोडिटी को कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करूँ. क्योंकि अगर मैं उसको कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जैसे अगर मॉर्निंग में एक सैंडविच लिया और उसके बाद एक अनदर सैंडविच मैं इवनिंग में ले रही हूँ, ठीक है, एक सैंडविच मॉर्निंग में लिया और उसके बाद नेक्स्ट इवनिंग में सैंडविच लेती हूँ, तो इट गिव्स मी आफ्टरनून में, इवनिंग में, इट डज नॉट गिव मी नेगेटिव सेटिस्फेक्शन, इट गिव्स मी पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन. इट विल गिव नेगेटिव सेटिस्फेक्शन ओनली इन दैट केस इफ़ आई एम टेकिंग कॉन्टिन्यूस. कि अगर मैं इन चीज़ों को कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम कर रही हूँ, कॉन्टिन्यूसली खा रही हूँ, तभी मुझे ये नेगेटिव सेटिस्फेक्शन देंगी, ना कि तब जब ये मैं एक एक यूनिट करके कंज्यूम करूँ, इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून में कंज्यूम करूँ. After that, law of diminishing marginal utility will not be applied with regard to education knowledge. कि ये जो हमारे diminishing marginal utility का law है, ये कभी भी education knowledge में applicable नहीं होता. क्योंकि knowledge हमेशा जितने भी आप लोगे उससे knowledge increase होगी, वो diminish नहीं होगी, ठीक है. So this is about the law of diminishing marginal utility, right? ये पूरा हमारा क्या है, law है diminishing marginal utility का. जैसे जैसे हम किसी यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, किसी कॉमोडिटी की यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमारी कम होती रहती है. राइट, नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू. अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप देखो. अब हमने पीछे पढ़ लिया कि जैसे जैसे हमारा टी यू इंक्रीज होती है, वैसे वैसे एम यू क्या होती है, डिक्लाइन होती है. ये मैं आपको एक और वे से क्लियर कर देती हूँ. इसमें देखो, दिस इज़ द वी हैव सीन इन दिस टेबल. इस टेबल में देखो, इस टेबल में सेम देखो, टी यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है. अगर हम एक यूनिट और कंज्यूम करते हैं, 6 यूनिट, तो हमारी टी यू कैसी रहेगी, 150 की 150. हेयर द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0. राइट, हेयर इफ़ वी आर कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट, अगर हम 7th यूनिट भी कंज्यूम करते हैं, तो आवर टोटल यूटिलिटी विल बिकम 140. दैट मीन्स -10. हेयर एम यू इज़ -10. तो देखो, एक लेवल पर हमारी दोनों ही क्या हो जाएंगी, एक लेवल पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 और नेक्स्ट लेवल पे क्या हो जाएगी, -10. सो सेम डायग्राम में देखो, रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू. What does this relationship shows? It shows that when TU is increasing, जब TU बढ़ रही है, marginal utility is decreasing. Marginal utility क्या हो रही है, कम होती जा रही है. When TU is maximum at point P, then MU is 0 at this point. इस point पे MU कितनी है, 0. When TU is declining, then MU become negative. तब MU क्या हो जाती है, negative. This is the relationship between marginal utility and total utility. See here, when MU decreases, TU increases at a diminishing rate. And when MU is 0, TU is constant and maximum at point P.
व्हेन एमयू इज नेगेटिव टीयू स्टार्ट डिमिनिशिंग, जैसे ही एमयू नेगेटिव हो जाएगी वैसे ही टोटल यूटिलिटी डिमिनिश करना स्टार्ट हो जाएगी. राइट, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट वी विल स्टडी हियर इज, इट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल अप्रोच. सो दिस टॉपिक वी विल डिस्कस लेटर ऑन टुमोरो. यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर अप टू हेयर. यू हैव टू रिवाइज द होल चैप्टर दैट वॉट इज यूटिलिटी, वॉट इज कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, एंड वॉट इज टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एंड वॉट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. यू विल स्टडी अबाउट दीज टॉपिक एंड प्रिपेयर नोट्स. थैंक यू.